न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में आग लग गई है। आग ट्रंप टावर की 50वीं मंजिल पर लगी है। आग में फंसने की वजह से गंभीर रूप से झुलसे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क का ट्रंप टावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निजी आवास और ऑफिस है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप टावर की 50वीं मंजिल पर आग न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक शनिवार की शाम करीब 6 बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आग को फैलने से रोक दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी मलबे टूट टूट कर इमारत के बाहर गिर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त ट्रंप टावर में राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जो इस आग की चपेट में आने से झुलस गया उसकी मौत हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है, आग को फैलने से रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी इस इमारत से इमारत के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप टावर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का निजी निवास और उनका दफ्तर है, जहां पर जिस ट्रंप टावर में आग लगी है वो न्यूयॉर्क के बेहद पॉश इलाके मैनहट्टन में है। 58 मंजिला ये ट्रंप टावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी प्रॉपर्टी है। ट्रंप टावर में डोनाल्ड ट्रंप का निजी दफ्तर और आवास भी है। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इसी ट्रंप टावर में बने अपने आवास में रुकते हैं। 58 मंजिली इस इमारत में देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है। आग के बाद ये धुएं की तस्वीर है। आग को फैलने से हालांकि रोक दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया जिसकी मौत हो गई। हालांकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त ट्रंप का परिवार इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। शनिवार की शाम अमेरिकी वक्त के मुताबिक 6 बजे ये आग लगी और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स तुरंत पहुंचे यहां और आग पर काबू पाने की कोशिश तुरंत शुरू कर दी गई। आग बुझाने में 140 फायर फाइटर्स जुटे। आग को फैलने से रोका गया। 50वीं मंजिल पर ये आग लगी। 58 मंजिला ये इमारत है ट्रंप टावर, बेहद पॉश इलाके में अमेरिका में ये ट्रंप टावर मौजूद है। ये निजी आवास और दफ्तर भी है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग पर काबू पाने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है।